बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, सेहतिया भी के साथ, आमीन। आज रूही रूही इस किचन में हम सिखाने जा रहे हैं कचरी। देखिए ये कचरी है, कचरी की चटनी। ये कचरी है, ये जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है और बरसात में आती है, बहुत जल्दी इसका सीजन खत्म हो जाता है। ये हमने कुछ आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसको हमने इस तरह छीन लिया है, इतने सारे हमने इसके छिलके उतार लिए हैं ऊपर से, ये छिली भी है। ये देखिए हम जब इसको छिलेंगे तो इसको थोड़ा सा जो छिलते वक्त काट के चेक करेंगे, क्योंकि ये कुछ कड़वी होती है तो हमारी चटनी सारी ख़राब हो सकती है। ये हमारे लिए बहुत फायदे मुफीद है, ये निज़ाम हाजमा को सही करता है, और जो खच्ची डकारें आती हैं उसको, और कब्ज जो होता है उसको भी सही कर देता है, और खाना हजम ना हो तो वो भी। आज हम आपको इसमें दो तरीके से सिखाएंगे। इसके अंदर जो शामिल होगा, चीज़ें शामिल होंगी, देखिए दही है, हरी मिर्चें चार अदद ले लिए इसको काट दिए, लहसुन है, लहसुन की जगह हमने चार पांच ले लिए, ज़ीरा है, काला नमक है, कचरी है। अब हम इसको आपको बनाने का तरीका बताते हैं। हमने कचरी को थोड़ा सा ग्राइंड किया है, अब इसके अंदर अदरक लहसुन डाल लें, लहसुन की जगह मिर्चें, नमक, काला नमक। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल पीस देंगे इसको। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर ली हैं। आपको हम दो हिस्सों में बताएंगे कि किस तरह ये करना है। एक देखिए हमने ये निकाल लिए, आधा हमने इसमें निकाल लिए, और ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें निकाल लिया हमने, और ये हमने इसमें निकाल लिए। अब इसके अंदर जो जार में है इसके अंदर दो चम्मच हम दही मिक्स कर देंगे, दो से तीन मिक्स कर देंगे हम इसमें। इसको फिर हम हमने दही डाल के इसको ग्राइंड किया है। एक तो आपकी चटनी ये तैयार है, अब हम आपको दूसरी बनाकर बताते हैं। देखिए हमने फ्रंट पैन चढ़ाया है अपना छोटा वाला, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाले हैं, अब इसके हम ज़ीरा डाल देंगे। देखिए ज़ीरा बिल्कुल तैयार हो गया है, ये चढ़कने लगा है, अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये ज़ीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये इसमें हमने डाल दिया है। एक दफ़ा में हमने आपको दो चटनी बता दी है, कचरी की दो किस्म की चटनी। अब हम इसको मिक्स कर देंगे, ये देखिए कचरी की चटनियाँ तैयार है। हमने एक दफ़ा में आपको दो किस्म की चटनियाँ बना के तैयार करके दिखा दी हैं। एक को हमने दही में मिक्स कर दिया है आधा निकालकर, और आधे को हमने ज़ीरे से बघार दे दिया है। ये हमने आपको बताया है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आपको एक और मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम कचरी को छीलेंगे तो उसको ज़रूर काट के खाइएगा, थोड़ा सा तो कचरी कड़वी होती है तो हमारी सारी चटनी ख़राब हो जाएगी। तो ये ज़रूर आप इसको माइंड में रखिए और इसको बनाइए, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, और आपकी कोई फरमाइश हो तो बताइए ज़रूर, मैं उसको पूरा करूँगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।